गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन फॉर क्लास सेवेंथ। आवर टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों आपने एटमॉस्फियर पढ़ा, तो एटमॉस्फियर में जो चेंजेज आते हैं, एटमॉस्फियर बदलता रहता है, वो हमें कैसे दिखता है? वेदर और क्लाइमेट के माध्यम से हम एटमॉस्फियर के चेंजेस को फील करते हैं, देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज वेदर। वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर एट अ स्पेसिफिक टाइम एट एनी प्लेस। तो वेदर क्या है? वेदर किसी भी प्लेस की एक निश्चित समय में एटमॉस्फियर की जो स्टेट होती है, जो अवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड वेदर। इट कंबाइंस टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल कंडीशंस ऑफ अ स्मॉल एरिया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वेदर में जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है और रेनफॉल, तो ये हमें वेदर से ही दिखाई पड़ता है। और वेदर की एक विशेषता ये है कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है। इट चेंज क्विकली, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। जैसे कि हम डे बाय डे का भी वेदर देख सकते हैं, और इसको इज नॉट परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट नहीं होता है। नाउ वी विल सी क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है देखते हैं बच्चों हम। तो वेदर की जो लॉन्ग पीरियड कंडीशंस होती हैं वो क्लाइमेट कहलाती हैं। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका। जैसे अंटार्कटिका की क्लाइमेट की बात होती है तो आपके माइंड में आ जाता है कि ठंडा एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा थ्रू आउट बर्फ जमी रहती है, और यहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? कोल्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट ऑफ इक्वेटर। तो आप जानते हैं बच्चों कि इक्वेटर जो है, इस पर सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ की क्लाइमेट हमेशा हॉट रहती है। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म है, और वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है।